आज हम हाजिर हैं एक नया वीडियो लेके, जिसमें हमने बात की है कि आपको दौड़ते समय किस प्रकार से आपके हाथों से स्विंग करना है, क्योंकि जितना हमारा दौड़ने में हमारी टांगें हमारा हेल्प करती हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारा हाथ हमारी रनिंग में हमारी स्पीड को बढ़ाने में काम आते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि कुछ लोग किस प्रकार से रनिंग करते हैं हाथ को स्विंग करके, कि उनका रनिंग का टाइम अच्छा नहीं आता है, तो किस प्रकार से वो क्या करें, क्या टेक्निक को अपनाएं कि उनका रनिंग का जो टाइमिंग है अपने आप सुधर जाए। कोई रनिंग फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपने हाथों का और अपने बॉडी का एक पोजीशन ठीक करना है और आपका रनिंग का टाइम 30% कम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, जो फर्स्ट में लोग भागते हैं वो इस प्रकार से भागते हैं कि हाथ का स्विंग तो वो लोग करते हैं, लेकिन अपनी कोहनियों को वर्टिकली यूज़ करते हैं, सीधा ऊपर की ओर, तो और ऊपर की तरफ देखते हुए दौड़ते हैं, बिल्कुल ओपन चेस्ट भागते हैं, जो कि एक रॉन्ग तरीका है। मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको हैंड का स्विंग करना है, फेस कहाँ रखना है, चेस्ट कैसे होगा, आपने कहाँ पे देखना है दौड़ते समय। तो ये मैं अभी जो दिखा रहा था ये आपका गलत तरीका है। तो दोस्तों चलिए हम अभी दिखाते हैं आपको वो तरीका जिसको आपने रनिंग करते समय अपनाना है। तो दोस्तों ये है वो दूसरा तरीका जिसको आपने रनिंग करते समय अपनाना है, हाथों का स्विंग किस प्रकार से करना है। आपकी कोहनी 45 डिग्री के एंगल में होना चाहिए, इस प्रकार से सीधा लेफ्ट से राइट को जानी चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकली स्विंग नहीं होना चाहिए, आपका हॉरिजॉन्टली स्विंग होना चाहिए। आपने अपने कदमों से तकरीबन 2 से 3 मीटर आगे देखना है, जितना हो सके बॉडी को क्लोज रखें, क्योंकि जितना बॉडी आपका क्लोज होगा आपको दौड़ने में उतना ही मदद मिलेगा, क्योंकि हमें दौड़ते समय हवा को काटना पड़ता है। जब हम हवा को जितनी फास्ट काटेंगे उतना ही हमारी स्पीड के चांसेस इम्प्रूव होंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से अभी मैं दिखा रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से कोहनी का एंगल बनाते हुए आपको दौड़ना है, आपने उसी प्रकार से आपके कोहनियों को स्विंग करना है। तो दोस्तों आप अपनी कोहनियों का जितना स्पीड से स्विंग करेंगे आपके पैर उतने ही फास्ट दौड़ेंगे, आपको जितना स्पीड दौड़ना है आपको अपने हाथों को उतना ही जल्दी से स्विंग भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और लिखें कि अगली वीडियो आपको किस इवेंट के ऊपर चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।